हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीमा। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नीमा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, जैसा भंडारे में बनाई जाती है कद्दू की सब्ज़ी, बिल्कुल वही सब्ज़ी की रेसिपी। आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी, एकदम खट्टी और बहुत ही डिलीशियस इस सब्ज़ी को हम बनाने वाले हैं, जो कि आपको पूड़ियों के साथ बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम वीडियो को आगे शुरू कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो कद्दू। कद्दू को मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसका छिलका हटाकर बिल्कुल बारीक पीसेस में कट कर लिया है। अगर आपका कद्दू बिल्कुल कच्चा है तो आपको छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है छिलका और पक जाता है। पर थोड़ा अगर कद्दू आपको लगता है कि हार्ड है, तो छिलका हटा करके सब्ज़ी बनाइएगा, ताकि बहुत ही टेस्टी बने। तो मैंने यहाँ पर छिलका हटाकर कद्दू को बिल्कुल साफ़ करके पीसेस में कट करके अलग रख लिया है। अब चढ़ाई है मैंने एक कढ़ाई, उसमें डाला है कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें यहाँ पर डालेंगे एक चम्मच मेथी दाना। जी हाँ, कद्दू की सब्ज़ी में आप मेथी दाना ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने डाला है एक चम्मच जीरा और एक चम्मच राई। एक डाली है मैंने लाल मिर्च खड़ी तोड़ करके, साथ ही डाली है आधा चम्मच हींग। सारी चीज़ें जब पक जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर जो कद्दू हमने काट करके तैयार रखा था वो। एक बार अच्छे से मैं इस कद्दू को इस ऑयल में मिक्स कर लूँगी, ताकि ऑयल की बहुत ही अच्छी कोटिंग हो जाए, मसालों की जो खुशबू है वो अच्छे से हमारे कद्दू पर कोट हो जाए। अब हम डालेंगे यहाँ पर ड्राई मसाले। तो ड्राई मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एक चम्मच रेड चिली पाउडर। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच लिया, आपको तीखा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि काले नमक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कद्दू की सब्ज़ी में। तो आप सिंपल नमक को कम करके यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डालिएगा। सारे मसालों को मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके करीबन 2 से 3 मिनट गैस की फ्लेम को मीडियम करके पका लेंगे। कद्दू यहाँ पर अगर कच्चा है तो आपका कद्दू बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम इस सब्ज़ी को बनाने में नहीं लगेगा। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट में हमारा जो कद्दू है यहाँ पर हाफ पक चुका है। इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मैंने डाले हैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इससे हमारी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी खटास आ जाएगी। अगर आप टमाटर नहीं खाते या आप टमाटर अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एक चम्मच इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खटास इसमें आ जाती है। तो ये देखिए, टमाटर यहाँ पर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो कद्दू भी यहाँ पर हमारा पक गया और टमाटर भी पक चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ पर एक चम्मच गरम मसाला और साथ ही आधा चम्मच चाट मसाला, ताकि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो जाए। ऊपर से हम डाल देंगे इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे, और अब मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद कर दी है और सब मसालों को हम मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कद्दू और टमाटर है वो भी अच्छे से गल चुके हैं, सब्ज़ी एकदम हमारी पक चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ कद्दू की सब्ज़ी में हल्की सी मिठास पसंद है, कद्दू की सब्ज़ी को आप हल्का सा खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं, तो इस स्टेज पर आप इसमें चाहें तो 2 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं या फिर 2 चम्मच गुड़ ऐड कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है सब्ज़ी में। आपके ऊपर है, अगर आप मीठा चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने सब्ज़ी को यहाँ पर निकाल लिया है एक सर्विंग प्लेट में, और आप देख सकते हैं हमारी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप इसे पूड़ी के साथ या पराठे के साथ इंजॉय करेंगे तो आपको खाने में ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही जो साइड में बेल बटन है उसे भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए और आपके काम आ पाए। तो फ्रेंड्स, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय।